हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है मनी मार्केट। मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो इसी के बारे में जाने जा रहा है। और अगर आपको वीडियोस मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और दोनों के डिफरेंस के बीच में चाहिए तो यार कमेंट करके बता देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये क्या है, ये मार्केट है या क्या है, ये चलिए समझते हैं। तो यार देखिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डेफिनेशन क्या है। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स जिसमें कि किए जाते हैं, और कैपिटल मार्केट है जिसमें कि लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। तो मनी मार्केट का मतलब है यानी कि शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि मालिकाना नहीं होता है, उधार पर आप पैसे देते हो कंपनी को और वो आपको लायबल होती हैं पैसे वापस करने को। तो ये मनी मार्केट में वैसे ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिनसे कि ये पैसे रेस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वही हो गए जिससे कि ये लोग पैसे रेस करते हैं जिन जिन मेथड से, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं। और मनी मार्केट क्या हो गया, तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कि केवल शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको इशू किए जाते हैं, और कैपिटल मार्केट वही क्या हो गया जो कि लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। और मनी मार्केट जो बेसिक होता है वो आपको मेनली बेसिक मान के शॉर्ट टर्म यानी कि कितना शॉर्ट टर्म, बेसिक ज़्यादातर केसेस में 3 महीने से 11 महीने 10 महीने तक, तो मैक्सिमम 0 to 270 भी आप कह सकते हैं, और रेयर केसेस में 270 से हल्का सा आगे। तो ये शॉर्ट टर्म डेट, ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है यानी कि मनी मार्केट। अब मनी मार्केट यार एक्चुअली दो तरीकों से मनी मार्केट को जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं यानी कि खरीदे बेचे जाते हैं। तो एक तो होलसेल लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे। तो होलसेल लेवल किसके बीच में होता है, तो होलसेल लेवल कंपनी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है। इंस्टीट्यूशंस यानी कि बड़ी बड़ी फर्म्स, हो सके बैंक्स भी हो सकती हैं वो। तो वो सीधा कंपनीज अगर कोई शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट देती हैं, मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट निकालती हैं पैसे रेज करने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूशन सीधा खरीद लेती हैं और बाद में जो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का होता है वो सीधा अपने रख लेती हैं एक लार्ज लेवल पे, होलसेल लेवल। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। और इंडिविजुअल लेवल, जैसा नाम पता चल रहा है यार, इंडिविजुअल यानी कि हम लोग के लिए होता है, जो कि हम लोग आम तौर पर खरीदते हैं, और हम लोग ज़्यादा तो खरीदते नहीं है, 1, 2, 4, 5, 10 बस जितना इंडिविजुअल खरीद पाता है। और वो भी कैसे खरीदता है, तो वो भी कोई ब्रोकर के थ्रू खरीदता है यानी कि बैंक के थ्रू या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जो कि अगर अपने होते हुए निकाल रही हो तो वहीं से इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग को भी अगर खरीदना हो, मुझे खरीदना हो तो वहीं से मेरे को भी जा करके लेना पड़ेगा। अब पॉइंट इस कि यार ये तो मनी मार्केट रहा, अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन मेथड से यानी कि क्या क्या नाम से वो मनी मार्केट में पैसे रेज किए जाते हैं, कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है सीडी। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मेनली 10 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होता है, लेकिन सीडी हम लोग मनी मार्केट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये कुछ कुछ सीडीज यानी कि कुछ कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक के बीच में भी इशू किए जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, 270 दिन या उससे ज़्यादा मैक्सिमम होता है मनी मार्केट फंड्स के लिए। तो वही सीडीज में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए आपको जैसे मैंने बताया 3 महीने से 6 महीने तक के बीच में सीडीज भी आती हैं, तो इसीलिए ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सीडीज कंपनीज इशू करती हैं और लोग बेसिकली सीडीज बेसिकली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, और उसके बाद लोग उसको खरीद करके उसमें जो छोटा मोटा इंटरेस्ट मिले वो मिल जाता है लोगों को। दूसरा होता है ट्रेजरी बिल्स। तो टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स एक तरह से आप कह सकते हो कि यार गवर्नमेंट सिक्योर्ड होता है, तो गवर्नमेंट के ही होते हैं एक तरह से ट्रेजरी बिल्स। तो आप मान करें चलो आपका पैसा पूरा सेफ होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम्स टाइप का होता है यार, जैसा कि आपको पता होगा बॉन्ड स्कीम्स जो होती हैं कि आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक मैच्योरिटी के समय पर आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ या फिर जैसा प्रीमियम पे कहा गया हो वो प्रीमियम पे आपको पैसे मिल जाते हैं। तीसरा है कॉमर्शियल पेपर। अब कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड यानी कि कोई कोलेटरल नहीं है, कोई एसेट नहीं इशू किया जा रहा उसके बदले, लेकिन ये इसलिए सेफ है क्योंकि इसको बड़े कॉरपोरेशंस डील करते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वही कॉमर्शियल पेपर को इशू करती हैं, इसलिए खतरा नहीं है कोई। जैसा होता है कि आपका कि कंपनी भाग जाएगी, मैं भरोसा कैसे करूं, तो यार वो नहीं होता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट में रेमंड ने और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने अभी कॉमर्शियल पेपर के लिए लॉन्च किया था,
50 करोड़ रुपए के लिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने किया था इशू कमर्शियल पेपर, तो वो न्यूज़ में है। मैं आपको ये देख जो आप देख रहे हैं यही था कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने कमर्शियल पेपर इशू किया था और लोगों से सब्सक्राइब करवाया। 5-5 लाख रुपए का एक कमर्शियल पेपर था, तो टोटल 50 करोड़ रुपए उन्होंने 1000 लोगों से ले लिए। तो यही है, कमर्शियल पेपर होता है एक अनसिक्योर्ड एसेट जो कि बड़े कॉरपोरेशन बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, और बेसिकली ये भी ज़्यादातर डिस्काउंट पे इशू होता है और जो इंटरेस्ट है छोटा मोटा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो आप ज़्यादा तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं, ऑफ कोर्स ही बात है। चौथा है रेपो, यानी कि इसको अदर दूसरा नाम से जानते हैं यूरो डॉलर्स। तो ये बेसिकली आपको इंडिया में नहीं लेकिन बाहर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो यूरो डॉलर्स जो होते हैं वो एक तरह से आपको बाहर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें मदद करते हैं, कि आप एक तरह से यूरो डॉलर जो एक्सचेंजेस होते हैं कि आपने डॉलर्स जमा कर दिए और आपको कुछ यूरोज मिल गए, जैसे यूरो का रेट बढ़ा वैसे ही आपने वापस उसको डॉलर में कन्वर्ट करके वापस ले लिया। तो ये भी शॉर्ट टर्म में रेपोज जिसको हम लोग जानते हैं, तो कंपनीज इनको भी फॉलो करती हैं, रेपो निकालती हैं, जो कि आप एक तरह से समझ के चलो कि आसानी से आपका बाहर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड में जो मुनाफा होता है वो सीधा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस इसका फायदा उठाती हैं। पांचवा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट फंड्स। तो यार मनी मार्केट फंड्स क्या हो गया, मनी मार्केट फंड्स हो गया कि जो मनी मार्केट के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो यही चीज़ें इंडिविजुअल्स को जो होती हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दो टाइप के आपको मनी मार्केट इंडिविजुअल मतलब इन्वेस्ट करते हैं, एक होलसेल लेवल पे सीधा इंस्टीट्यूशंस और एक इंडिविजुअल लेवल पे सीधा हम लोग। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। मनी मार्केट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें कि आपके पैसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो ये वही है मनी मार्केट फंड, सीधा एक म्यूचुअल फंड है जो कि जिसमें कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालते हो, यहाँ पे आपके पैसे डाइवर्सिफाई होकर के सारे जगह चले जाते हैं या उन कंपनीज में लगते हैं जो उनकी ये बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेंगी और मुनाफा आपको मिल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पांचों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि मनी मार्केट में पैसे रेस किए जाते हैं और होलसेल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को मिलते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में मनी मार्केट के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल मार्केट या मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो यार, और अगर बन चुकी है तो आपको ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।